हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल क्रिएटिव स्टूडियो एफएक्स में। इतना ज़्यादा लेक्चर हो जाने की वजह से अगर आप लोग को लेक्चर ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके यहाँ से लेक्चर देख सकते हैं, इससे आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। ये फोटोशॉप का लेक्चर नंबर 50 है। लास्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ तक देख लिए थे, कन्वर्ट टू प्रोफाइल तक। आज हम इसके आगे का जो बचा हुआ है ये फटाफट ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम इमेज में आ जाएंगे। तो यहाँ पे है कीबोर्ड शॉर्टकट, जिसका शॉर्टकट भी दिया गया है अल्ट शिफ्ट कंट्रोल के। ठीक है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ और इसमें देखता हूँ क्या क्या मिलता है मुझे। तो ये जो चीज़ आपको दिख रहा है, फाइल एडिट, इमेज, लेयर टाइप, सेलेक्ट, फिल्टर, 3D व्यू, विंडोज हेल्प, ये क्या है? ये पैनल है हमारा, ये पूरा पैनल इसमें दिया गया है। जैसे कि अब मैं खोलता हूँ फाइल। ठीक है, फाइल खोला तो देखिए न्यू ओपन, ब्राउज एंड ब्रिज, ओपन एज। तो ये क्या है? ये हमारे अंदर का जो चीज़ दिया गया है, यहाँ तक एग्जिट तक ये पूरा सारा चीज इसमें दिया जाता है। ये देखिए लास्ट में एग्जिट, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल क्यू। अब ये काम क्या करता है कि जैसे कि लिखा है न्यू, न्यू जैसे मैं क्लिक किया, इसका शॉर्टकट ये डिस्प्ले करने लगता है कि ये इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एन। जैसे कि बहुत सारे लोग को तो पता ही रहेगा, कंट्रोल एन मारते तो न्यू पेज बन जाता है फोटोशॉप में। तो हम यहाँ से उसका कुछ ऐसे फाइल पे काम कर रहे कि जो एक ही चीज़ बार 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 यूज हो रहा है, जैसे कुछ फिल्टर बार बार अप्लाई हो रहा है या बार बार पेज बनाना पड़ रहा है, और उसका शॉर्टकट जो है बहुत बड़ा है, जैसे कि ये। ठीक है, तो इतना बड़ा है हमारा ये इसका शॉर्टकट। तो हम इसको शॉर्टकट को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, चेंज तो हम इसको कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम उसमें भी आता है कि जैसे कि कंट्रोल एन यहाँ पर दिया है, अब हमें पता नहीं कि ये हो सकता है कि आगे भी जाके हमें किसी में कंट्रोल एन मिल जाए। तो ये चीज़ कभी इसमें मिलता जुलता नहीं है, लेकिन हम जब अपना दिमाग लगाते हैं कि भाई इसमें मेरे को चेंजेस करना है, तब हम इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि उसका शॉर्टकट क्या दिया जाए ताकि वो किसी और से मिलता जुलता नहीं हो। जैसे कि अभी एडिट में आ जाता हूँ, एडिट में देखिए कि बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, कंट्रोल जेड माने अंडू का दिया हुआ है। तो ये सारे के सारे शॉर्टकट है, तो हम इसको बना सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। इमेज में देखिए बहुत सारा चीज़ दिया गया है, जिसका ऊपर के हिस्से में उसका शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट ही नहीं है। तो एक चीज़ का है कंट्रोल एल, हम इसको चेंज कर सकते हैं, कुछ भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, और इसमें कुछ चीज़ ऐसा रहेगा कि जो हमें चेंजेस करने के लिए नहीं मिलेगा। तो क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर बनाया उन लोगों ने, तो उन्होंने भी सोचा कि मतलब अगर तुम चेंज करते हो तो आगे का जो पैनल रहेगा इसमें सेम हो जाएगा, तो फिर आगे चल के दिक्कत आ जाएगा। तो आप लोग चेंज करके इसको देख लेना अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो, नहीं तो ये भी बहुत अच्छा शॉर्टकट वो लोग ने बहुत ईजी आप लोग के हिसाब से बनाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी चेंज करने की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि तीन चार ही ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट, यही तो तीन ही चार चीज़ उसमें डालते वो लोग। तो आप अपने हिसाब से इसको कर लेना कि अगर आपको चेंज करना है तो कर लेना, नहीं करना है तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, और इसके जैसी सब सेम है। तो अभी मैं एक एक तो बताते नहीं बैठूँगा, आप लोग पूरा चेक कर लेना, और इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा, आप लोग खुद समझ सकते हैं कि ये सब चीज़ें चेंजेस करने के लिए दिया गया है। जस्ट क्लिक करोगे और जिसको जो चेंजेस नहीं होगा, जैसे कि ये देखिए ये चेंजेस होने में प्रॉब्लम आ सकता है, फिर भी आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, इसके बाद क्या है वो देख लेते हैं। इसके बाद है मेनू। मेनूज में क्या है कि अभी जो पैनल मैंने खोला था उसमें भी मेनूज था, ये देखिए शॉर्टकट और ये मेनू। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जैसे मैंने फाइल खोला, ठीक है फाइल खोला, उसमें क्या था कि शॉर्टकट बना सकते थे हम लोग, और इसमें क्या है कि जिसको मैं बार बार यूज कर रहा हूँ उसको मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। जैसे कि ये कंट्रोल एन है इसका शॉर्टकट न्यू का, तो यहाँ पे नन लिखा हुआ है,
नन के जगह पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे कुछ कलर दिखाई देगा, जैसे कि मैंने इसको कर दी, मैं कर देता हूँ इसको रेड, ठीक है, मैं इसको रेड कर देता हूँ, उसके बाद ओके करता हूँ और फिर इसमें जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला सबसे ऊपर वाला जो है वो लाइट रेड कलर आ चुका है। तो अगर जैसे कि हमें बार बार एक ही चीज़ करना रहता है, तो जैसे मैं फाइल में जाऊँगा, जैसे यहाँ पे फाइल एडिट में गया और यहाँ से जैसे ट्रांसफॉर्म लेना है या अलाइन ले ऑटो अलाइन लेयर लेना है, तो मुझे बार बार यहाँ से आना पड़ेगा पढ़ते हुए, मतलब जल्दी दिखेगा नहीं। अगर मैं इसको रेड कलर कर देता हूँ तो सारा चीज़ सब चीज़ से अलग दिखेगा वो। तो जैसे ही मैं एडिट में जाऊँगा फटक से यहाँ आ जाऊँगा, तो मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये चीज़ के लिए ये दिया जाता है कि वो थोड़ा अलग दिखे। और इसके बाजू में है विजिबिलिटी। ये विजिबिलिटी क्या होता है कि कभी ऐसा हुआ कि मतलब मेरा काम हो गया और मैं इसको मतलब बाद में चाहता हूँ कि एक हफ्ते बाद फिर से यूज करना चाहता हूँ कि ये रेड कलर मेरा वही रहे, तो मैं इसको क्या करूँगा, ऑफ़ करके जस्ट रख दूँगा, कलर चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, जब वो नॉर्मल हो जाता है तो फिर जब हमें एक हफ्ते बाद उस पर काम करना रहेगा, जस्ट मैं ये ऑन कर दूंगा और मैं फिर से अपना काम वहाँ से कर सकता हूँ। और सेम उसके जैसे ही दिया गया है, ये देखिए फाइल है, एडिट है, इमेज, लेयर, टाइप, सिलेक्ट, फिल्टर, 3D व्यू, तो ये पूरा जो पैनल है इसमें भी दिया गया है कि हमें क्या ऑन रखना है, क्या ऑफ रखना है, जो भी आपको करना है। और इतना मतलब हार्ड ये लेक्चर नहीं कि आप लोग ऐसा बोल सके कि अरे मेरे को समझ में नहीं आया, ये बहुत ही ईजी है। आप लोग को अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज करके देख सकते हैं। पर मैं यही चीज़ बोलूँगा कि ये जो ऊपर का मेन्यू दिया गया है उसका शॉर्टकट ना चेंज करें तो ज़्यादा बेटर है आप लोग के लिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी अडोब की कंपनी है तो आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा चीज़ देती है। हाँ, अगर आपको इसमें चेंजेस करना है टूल्स में, तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आप लोग चेंज कर लो, चलेगा, क्योंकि टूल्स कैसा है कि इतना ज़्यादा यूज में इतना आता नहीं, कहीं कहीं कुछ टूल्स यूज हो गया तो हो गया। और अगर हमें बार बार एक ही टूल्स यूज हो रहा है तो क्या होता है कि ये हमें बार बार इसके अंदर जाना पड़ता है। देखिए मतलब यहाँ पे क्लिक करके रखो, फिर यहाँ पे जाओ, फिर ये वाला जैसे हमें लेना है, तो इतना था ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है कि मतलब उसके अंदर जाके लेना पड़ता है। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको चेंज करना है तो ये वाला चेंज कर सकते हैं। तो ये मैं भी बता देता हूँ कि कैसे चेंज होता है। तो मैं जाऊँगा एडिट में, तो यहाँ पे है टूल बार, टूल बार को जब ओपन करूँगा तो जो ये यहाँ पे जितने सारे टूल्स हैं, सारे टूल्स नाम के साथ और उसका शॉर्टकट आ जाएगा, ये देखिए। तो जैसे कि ये सबसे फर्स्ट वाला है मूव टूल, मैंने उस पर क्लिक किया और यहाँ पे वो चेंजेस करने का आ गया। तो मूव टूल ये वाला है हमारा और इसका शॉर्टकट है वी। और अगर मैं इसको शॉर्टकट कर देता हूँ टी, ठीक है, मैंने इसको टी कर दिया। अब देखिएगा कि जो हमारा ये ट्रांसफॉर्म है इसका भी शॉर्टकट टी रहता है। तो चलिए मैं नीचे दिखा देता हूँ, ये देखिए ट्रांसफॉर्म का जितना भी अंदर है सब टी का उसका शॉर्टकट दिया गया है। अब मैंने इसको भी टी कर दिया तो इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं आता, सेम हो जाएगा, चलेगा। तो वो भी आप लोग सोच रहे होंगे कि दोनों का कैसे काम करेगा, तो मैं अभी बता देता हूँ। इसको मैं करता हूँ डन और देखिए अभी ये पेन टूल सेलेक्ट है, मैं कीबोर्ड का टी प्रेस कर रहा हूँ, देखिए ये हमारा टी आ गया। अब एक बार और टी कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, शिफ्ट दबा के टी करूँगा, तो ये मेरा यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद इसके अंदर जा रहा है वो, देखिए तीन चार रहता ना, तो सारा जब वो कर लेगा उसके बाद यहाँ पे जाएगा। तो मतलब जस्ट आपको शिफ्ट के साथ खेलना है, शिफ्ट दबाए के टी प्रेस करोगे तो ऊपर वाले चला जाएगा, फिर उसके अंदर जो इसके अंदर है शिफ्ट दबा के प्रेस करते रहना तो उसके अंदर वाला वो सिलेक्ट होने लगेगा। तो इस तरीके से ये काम करता है कि मतलब आपका पहला वाला भी वो ख़राब नहीं करता, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए अभी वी था, वी है, तो वी का दो अलग अलग है, इसमें दो है, एम में भी अलग है, एल में है। तो ये कैसे, वही शिफ्ट जब दबाओगे तो पहला तो एक सिलेक्ट होएगा एल, अभी चलो एल वाला देख लेते हैं। मैंने प्रेस किया एल, अभी कुछ नहीं हो रहा है, फिर से प्रेस कर रहा हूँ नहीं हो रहा है,
मैं शिफ्ट दबाऊंगा और एल प्रेस करूंगा, तो आप देखिए वहां पे चेंज होना चालू हो जाता है। ये देखिए ये हो गया। अभी इसके बाद बचता है प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस का ये जो चीज़ है ये आप लोग देख लेना कि जो मैंने अभी अभी पिछले लेक्चर में बताया था रिमोट कनेक्शन, तो रिमोट कनेक्शन का सारा चीज़ ये जो अंदर दिया हुआ है वही सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोग को ये वाला लेक्चर देख लेना, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों सेम है, और चेक कर लेना। अगर इसमें कुछ नया दिखेगा तो मेरे को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने तो पूरा चेक कर लिया है, मेरे को कुछ नया नहीं दिखा, सब वही है जो उसमें है। तो ये आज हमारा ये एडिट का पैनल ख़त्म हो गया। जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि ये मैं सॉफ्टवेयर फोटोशॉप स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। मेरा लेक्चर नंबर 1 से देखें ताकि उनको पूरा फोटोशॉप सीखने का मौका मिले। तो अगले लेक्चर में हम इमेज में जो भी है हमारा ये देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।